हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लैंड नॉलेज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे लैंड रेट फिक्स होने के बाद में भूमि मालकान को कौन कौन से फायदे, कौन कौन से फैक्टर स्टेट वाइज मिलते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ हाउ टू डिसाइड लैंड रेट का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों उसमें मैंने आपको बताया है, संपूर्ण जानकारी दी है कि किस प्रकार से लैंड रेट फिक्स किए जाते हैं, कौन कौन से उसमें फायदे दिए जाते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बारे में, स्टेट वाइज कौन कौन से इसमें फ़ायदे दिए जाते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये यहाँ पर सीरियल नंबर है और यहाँ स्टेट का नाम दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर ये फैक्टर रूरल एरिया में किस प्रकार से फैक्टर अप्लाई होगा। देखिए दोस्तों, सीरियल नंबर 1 अदर देन शेड्यूल एरिया, उसमें लगेगा दोस्तों 1.25, जो शेड्यूल एरिया से बाहर होगा उसमें 2.5 का फैक्टर लगेगा। और शेड्यूल एरिया ट्रिपल एरिया, ट्रिपल एरिया जिसको कहते हैं दोस्तों, उसमें जो फैक्टर लगेगा 1.5 का फैक्टर लगेगा। तो ये दोस्तों ये लागू कब से हुआ है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो आंध्र प्रदेश का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसका लेटर नंबर 389 डेटेड 20/11/2014 से लागू हुआ है। और इसी प्रकार से दोस्तों बिहार का, बिहार में दोस्तों ये टू सभी किसी भी प्रकार की लैंड हो उसमें 2.00 का फैक्टर लगेगा। यानी मान लीजिए अगर 1,00,000 रुपये फिक्स हुए हैं तो उसमें जो फैक्टर है वो आपका 2 का लगेगा, यानी 2,00,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। और दोस्तों इसी के साथ क्या होता है, उसी के ऊपर 100% सॉलिटियम होता है, सभी के ऊपर 100% सॉलिटियम मिलेगा। यानी मान लीजिए कि आपको अगर 100 रुपये लैंड रेट आपके फिक्स हुए हैं तो इसके ऊपर आपको, इस अमाउंट के ऊपर आपको यहाँ दोस्तों 2 गुना तो इसका पैसे मिलेंगे, और इसके ऊपर 100% फिर दोबारा से आपको सॉलिटियम मिलेगा। इसके ऊपर दोस्तों आपको दोबारा से सॉलिटियम मिलेगा, इसके ऊपर, इस अमाउंट के ऊपर आपको दोबारा से सॉलिटियम दिया जाएगा। यानी ये सॉलिटियम होता क्या दोस्तों, और ये फैक्टर क्यों दिया जा रहा है? दोस्तों ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो भूमि मालकान है उसने हो सकता है उस ज़मीन को किसी पर्पज़ के लिए ख़रीदा हो, कोई वहाँ पर बिल्डिंग बनानी हो, कुछ बिजनेस चालू करना हो, तो जो उसकी भरपाई है उसके लिए मल्टीपल फैक्टर और जो सॉलिटियम होता है ये दिया जाता है। इसको दोस्तों एक एग्जांपल देके मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों मान लीजिए कि जो बेसिक मार्केट वैल्यू है वो 40,00,000 रुपये है, और मल्टीपल जो फैक्टर जो लगने वाला है वो यहाँ पर 1.25 का लगने वाला है। आप अगर 2 का लगता तो 2 का, 1.5 का लगता तो 1.5 का, 1 का लगता तो 1 का लगा सकते हो। इसी प्रकार से दोस्तों ये मल्टीपल फैक्टर लगाने के बाद में ये 50,00,000 इसकी कीमत हो गई है। इसके बाद दोस्तों जो इसमें कैलकुलेट जो किया जा रहा है, इसमें जो बिल्डिंग ट्रीज अगर कोई भी आपके ज़मीन में मौजूद है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो भी उसकी कीमत होगी। मैंने एक टेंटेटिव अमाउंट ली है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये एट द अमाउंट डिटरमाइंड अंडर स्टेप 2 एंड स्टेप 3 एंड देन प्रोवाइड 100% सोलिटियम। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो स्टेप 2 है 50,00,000 और ये 5,00,000, इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, ये 55,00,000 हो जाएंगे। 55,00,000 के ऊपर मेरे को 100% सोलिटियम गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। यानी दोस्तों 1,10,00,000 रुपये इसकी कीमत हो गई है, जो मेरी सिंपली 40,00,000 रुपये प्रिंसिपल था। और इसी के साथ दोस्तों मुझे 12% का एडिशनल अमाउंट दिया जाएगा। ये दोस्तों डेट ऑफ न्यूज़पेपर, कई लोग कहते हैं कि हमें मुआवजा कब मिलेगा, मुआवजा कब मिलेगा। दोस्तों अगर आपको मुआवजा मिलने में देरी हो रही है तो ये आपके लिए अच्छी बात है, इसमें बुरी बात नहीं है, क्योंकि इसमें सरकार द्वारा डेट ऑफ न्यूज़पेपर कैपिटल 3A की डेट से अवार्ड की डेट तक आपको 12% का इंटरेस्ट दिया जाता है। इस केस में देखिए दोस्तों 4,00,000 रुपये का इसमें इंटरेस्ट दिया गया है। इसी प्रकार से आपका जो टोटल कंपनसेशन है वो 1,14,00,000 रुपये आपको मिलेगा। इसी प्रकार से दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 1.00 सिंस अक्टूबर 2017 से
वन का ही फैक्टर दिया जाता है छत्तीसगढ़ में। ये दोस्तों आप देख सकते हो इनका जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट है उनका लेटर नंबर और यहाँ डेट दिए हुए हैं, कई जगह डेट दिए हुए हैं, कहीं पर लेटर नंबर भी दिए हुए हैं, आप इनको वहाँ से भी खोज सकते हैं। गुजरात में दोस्तों दो का फैक्टर लगता है, यानी आपको चार गुना मुआवजा मिलेगा, दो दो गुना तो इसका मल्टीपल फैक्टर का, और 100% सोलेटियम आपको इसमें ऊपर मिलता है। और हरियाणा में दोस्तों डिस्टेंस वाइज दिया हुआ है, ये देखिए दोस्तों 3 जनवरी 2018 को यह नोटिफिकेशन जारी हुआ था रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट का, उसके अनुसार दिया जाता है दोस्तों अप टू 10 किलोमीटर तक 1.25 का, और 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक का 1.5 का, यानी डेढ़ गुणा मिलता है दोस्तों, और 20 से 30 किलोमीटर में 1.75 का, और 30 किलोमीटर से अगर ऊपर है तो 2 किलोमीटर का सॉरी 2 गुणा इसका फैक्टर मिलता है। दोस्तों ये क्या होता है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसमें दोस्तों जो आपकी रिवेन्यू बाउंड्री है, यानी जो एमसी लिमिट है, एमसी लिमिट से कौवा उड़ान, यानी वहाँ से जहाँ पर लैंड एक्वायर की जा रही है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इस फैक्टर के अंडर आना चाहिए। इस फैक्टर के अंडर अगर यदि आ रहा है तो उसको हम इसमें काउंट करते हैं, अगर वो 10 किलोमीटर में आ रहा है तो उसको हम 1.25 का लेंगे, अगर 20 किलोमीटर 10 से 20 के में आ रहा है तो डेढ़ में लेंगे, और 20 से 30 आ रहा है तो 1.75 का लेंगे, और अगर 30 से ऊपर है तो 2 का फैक्टर लिया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 1 का फैक्टर ऑल टाइप ऑफ लैंड के में लिया जाता है, झारखंड में 2 फैक्टर लिया जाता है, और कर्नाटका में दोस्तों 0.5 किलोमीटर तक अगर है तो इसमें 1.5 का, और 5 किलोमीटर से ऊपर है तो 2 का फैक्टर लिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो इनका रिवेन्यू डिपार्टमेंट ने ऑर्डर जारी किया उसकी डेट यहाँ लिखी हुई है। इसी प्रकार से दोस्तों केरला में भी ये अलग अलग दिए हुए हैं, 10 किलोमीटर तक, 10 से 20 किलोमीटर तक, 20 से 30 किलोमीटर तक, और 30 से 40 किलोमीटर तक 1.8, और 40 किलोमीटर से ऊपर 2 का फैक्टर लगता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में जो फैक्टर है वो 1 का फैक्टर लगेगा, और महाराष्ट्र में दोस्तों ये अलग अलग आप इनको पढ़ सकते हो, अलग अलग इनके फैक्टर लगे हुए हैं, और मेघालय में दोस्तों ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 10 सितंबर 2014 को, उसके अनुसार ये अलग अलग ये फैक्टर यहाँ लगे हुए हैं। उड़ीसा में इसी प्रकार से दोस्तों 10 किलोमीटर तक 1 का फैक्टर लगता है, 11 से 20 किलोमीटर तक 1.20 का फैक्टर लगता है दोस्तों, 21 किलोमीटर से 30 में दोस्तों 1.40 का फैक्टर लगता है, 31 से 40 में 1.80 का, और 40 किलोमीटर से ऊपर का 2 का फैक्टर लगता है। पंजाब में दोस्तों पंजाब में भी कुछ इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आपका जो डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट अर्बन एरिया, जो शहरी इलाके से अगर आपकी दूरी 10 किलोमीटर तक है तो 1 का फैक्टर लगेगा, और अगर उससे 10 से ऊपर है तो 1.25 का फैक्टर लगता है। इसी प्रकार से दोस्तों राजस्थान में जो आपका फैक्टर है अगर 0 से 10 किलोमीटर तक है तो 1.25 का लगेगा, और इसी प्रकार से 10 से अगर 20 किलोमीटर तक का है तो 1.5 का लगेगा, 20 से 30 किलोमीटर तक का है तो 1.75 का लगेगा, और इससे अबो है तो 2 का फैक्टर लगेगा। यह आप देख सकते हैं दोस्तों 14/6/2016 का ये नोटिफिकेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ऑर्डर जारी किया है। तमिलनाडु में दोस्तों आप इसी प्रकार से विद इन 30 किलोमीटर है तो 1.25 का फैक्टर लगेगा, 30 से 50 किलोमीटर तक का है नियरेस्ट अर्बन एरिया तो 1.5 का लगेगा, 50 किलोमीटर से ऊपर है तो 2 का फैक्टर लगेगा। इसी प्रकार से दोस्तों तेलंगाना में है ये उधर देन शेड्यूल एरिया जो है 1.5 का, और शेड्यूल एरिया ट्रिपल एरिया जो है वो 2.00 का फैक्टर लगेगा। ये देखिए दोस्तों इनका जो लेटर नंबर है और ये डेटेड यहाँ दिया हुआ है, और उत्तराखंड में दोस्तों 2 का फैक्टर लगेगा, यानी आपको 4 गुना मुआवजा मिलेगा, या अगर लैंड रेट 1 लाख डिसाइड हुआ तो आपको 4 लाख रुपये मिलेंगे, और उत्तर प्रदेश में दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी आपको 4 गुना मुआवजा मिलता है। 2 गुना तो दोस्तों ये मल्टीपल फैक्टर का, और 100% उसके ऊपर सोलेटियम आपको अलग से दिया जाता है। वेस्ट बंगाल में भी दोस्तों आप देख सकते हो कलकत्ता का जो गजट नोटिफिकेशन नंबर है यहाँ दिया हुआ है, इसमें ये दिए हुए हैं, इनको भी आप इसी प्रकार से देख सकते हो।
दोस्तों जो इसके अलावा जो ऑल यूटीज हैं चंडीगढ़ पांडुचेरी, पांडुचेरी को छोड़कर बाकी जितने भी अपने यूटीज हैं उनमें दो का फैक्टर लगेगा। इसमें आपका दिल्ली आ गया, चंडीगढ़ आ गया और बाकी जो हमारे यूटीज हैं वो सारे इसमें कवर अप हो जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों का भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इस तरह की वीडियो आपके लिए लाने में, बहुत मेहनत लगती है डाटा इकट्ठा करने में। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।